Hello students, yesterday I had explained the chapter 2 of science, microorganism, friend and foe, कि microorganism हमारे शत्रु भी हैं और मित्र भी हैं, तो हमने देखा था कल. Now I am repeating the chapter for your remind and then I will start the next topic for in this video. Now I have discussed about the microorganism. मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे कल की वीडियो में कि microorganism क्या होते हैं. What are the microorganisms? जैसे कि मैंने बताया था कि what are the microorganisms? These are the structures, these are the organisms which cannot be seen by the naked eyes. इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते. So they are called the microorganisms. क्या कहलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे आर फाउंड एवरीवेयर, सब जगह पाए जाते हैं, चाहे वो मार्शी लैंड हो, चाहे आपके डेजर्ट हो, एनी वेयर पाए जाते हैं. ठीक है, तो फाइव टाइप की कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, बैक्टीरिया, फंगी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरसेस. इन सभी में वायरसेस आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. एक बात मैंने आपको बताई थी कि वायरसेस जो होते हैं आपके अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होता है, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी नेक आई से दिखाई नहीं देते. इट मींस कि हमें अपनी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक आई से दिखाई नहीं देता. लेकिन वायरस की बात करें तो वायरस तो और भी ज्यादा छोटे होते हैं कि ये हमें अपनी बहुत इनसे भी ज्यादा छोटा स्ट्रक्चर है. बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है लेकिन बैक्टीरिया से भी ज्यादा छोटे होते हैं वायरसेस. वायरसेस की खास बात होती है कि वायरस इज अ बॉर्डर लाइन, एक्ट एज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग. सो वी कैन से इट इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग, के बीच का कनेक्टिव लिंक आ जाता है. बॉर्डर लाइन करें हम उनको लिविंग और नॉन लिविंग, अगर बाहर रहते हैं एटमोसफियर में रहते हैं सो दे आर द इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि अपने बॉडी का कोई सिस्टम नहीं है. बहुत ज्यादा टाइम तक ही सर्वाइव नहीं कर सकते बाहर, कुछ मिनट या कुछ घंटे तक ही सर्वाइव करते हैं सरफेस पर और एटमोसफियर में. अगर जैसे ही वो किसी बॉडी में जाते हैं, जिस बॉडी के अंदर वो एंटर करते हैं वो उसका होस्ट कहलाती है, और वो होस्ट उसका बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है. जैसे ही वो जिस बॉडी में एंटर करते हैं उसी के मशीनरी सिस्टम को, कल मैंने बताया था, उसी की बॉडी के सिस्टम को वो यूज करते हैं और सर्वाइव करते हैं, यानी नंबर ऑफ सेल्स वो इंक्रीज करते हैं. जितना वो ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स अपनी इंक्रीज करते हैं वायरस का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में उतना ही ज्यादा हो जाता है, और उस बीमारी का जो इफेक्ट है वो और भी ज्यादा होता है. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड द वायरसेस कहलाते हैं. ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज होती हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज में आपके मेनली आते हैं, बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज होती हैं आपकी ज्यादातर आपकी टाइफाइड है, कॉलरा है, ये होती है, टीबी की बीमारी होती है, ये होती है आपके, और वायरसेस से आप जानते हैं कोरोना वायरस से चल रहा है आपका, रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, मेजल से ही सारी होती हैं. प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी में आपके आते हैं डाइसेंट्री और मलेरिया जैसी बीमारियां आती हैं. फंजाई से होने वाले में रिंगवर्म्स और स्किन इन्फेक्शन आते हैं, ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शन होते हैं ज़्यादातर फंजाई से होने वाली जो डिजीज होती हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैंने कल आपको बताया था कि ये सारे डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें ज़्यादातर जो वायरसेस हो, जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं ये यूनिसेलर, सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलर होते हैं. बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलर, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, तीन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तीन शेप के होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया, एक होता है स्पायरल शेप और एक इसमें दिया नहीं है, एक होते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं स्ट्रक्चर में, एंड दे कॉज दे मे बी बेनिफिशियल, सम ऑफ द बैक्टीरिया मे बी हार्मफुल. एल्गी की बात करें तो एल्गी जो होती हैं आपकी, एल्गीज जो होती हैं इसमें कुछ एल्गीज होते हैं यूनिसेलुलर, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है ये स्पायरोगायरा का, ये जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में स्पायरोगायरा, ये स्पायरोगायरा जो कि मल्टीसेलुलर सिंपल फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इसका, सिंपल फिलामेंटस. अगर मैं बात करूँ तो हमारी बॉडी का, प्लांट का, एनिमल का, ह्यूमन, सो मेनी सेल्स होती हैं, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक स्पायरोगायरा में यहाँ पर एक सिंपल मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है, बट इट कंसिस्ट ऑफ द मोर देन वन सेल, सो इट इज अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर अगर मैं बात करूँ प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स के लिए, कल मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स में आते हैं अमीबा और पैरामीशियम. ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके इनविजिबल है, जो कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देते. सो दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे जनरली फाउंड इन द पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं.
एंड फंजाई क्या करना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं फंजाई की बात करूँ तो फंजाई में ब्रेड मोल्ड, ज्यादातर इसको ब्रेड मोल्ड इसलिए कह रहे हैं, ब्रेड पर लगती है, ग्रीन कलर की होती है। पेनिसिलियम एगेरिकस, ये एग्जांपल्स है फंजाई के। तो ये जो आपकी फंजाई का स्ट्रक्चर है, ऑल दीज आर स्ट्रक्चर, सब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, दे आर सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। फंजाई सेप्रोट्रॉफिक स्ट्रक्चर नेचर में आते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे टेक देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकिंग मैटर, डेड और डिकिंग मैटर से फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप से ये फंजाई के बारे में, क्योंकि ये सेप्रोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक नेचर होता है, खाना सब खुद नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो ईस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगी, ईस्ट YEAST, ईस्ट जो होता है एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में आके आता है। ठीक है, ईस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यूनिसेलुलर। ठीक है, वायरसेस, मैं आपको वायरस मैंने आपको बताई दिया कि डिफरेंट टाइप की शेप्स होती हैं वायरसेस की। अब हम बात करते हैं वायरस, ये मैंने आपको बताया दिया था कि वायरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स की कहाँ कहाँ रहते हैं अलग अलग, सारे अंडर ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन में, जो ऑल टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, कैन सर्वाइव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। सच एज आपके हॉट क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट टू मार्शी लैंड, रेगिस्तान हो, चाहे बहुत गर्मी हो, चाहे बहुत ज़्यादा वैसा एरिया हो, ठंडा एरिया हो, सब जगह सर्वाइव करते हैं। और दे ऑल्सो फॉर्म द बॉडीज ऑफ एनिमल, ह्यूमन बींग्स सब जगह पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल प्लांट की बॉडी हो, चाहे बैक्टीरिया सब जगह, आपके चाहे माइक्रोबिन सब जगह सर्वाइव करते हैं, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, सब जगह पाए जा सकते हैं। ठीक है, सम माइक्रोबिन्स ग्रो ऑन द अदर वाइल्ड, सम अदर फ्रीली, ये मैंने आपको बता दिया कैसे फ्रीली, कुछ फ्रीली सर्वाइव करते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम कुछ कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया कॉलोनी में ग्रो करता है, स्पाइर वगैरह कॉलोनीज में ग्रो करता है। ठीक है, कॉलोनीज में रहते हैं, जबकि अमीबा और पैरामीशियम आपके फ्रीली सर्वाइव करते हैं, इनको कॉलोनी नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक था, कल मैंने आपको इस बारे में डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और हमारा क्या जो है रिलेशन है, कि हमारे लिए वो बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है। इसके लिए मैंने आपको टॉपिक डिस्कस किया था कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल था आपके लिए, कल मैंने बताया था। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, कि कल पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, कि दे हेल्प इन द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं डेड मैटर के। सो हमारे ओबियसली कि अगर डेड मैटर को डिकम्पोज हो जाएगा तो उनकी बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो किसमें चेंज हो जाएंगे? सिंपल में। और आपका जब वो सिंपल में चेंज हो जाएंगे तो आपकी जो एनवायरमेंट होगा वो क्लीन बना रहेगा। एक तो इस टाइप से हेल्प होती है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड, केक और पेस्ट्री, इन तीनों चीज़ों को आप देख रहे हैं, ब्रेड, केक और पेस्ट्री, इन सबको बनाने में हेल्प होती है। तो कल आपको बताया था कि जो मिल्क होता है, कर्ड कैसे बनता है, मिल्क में जो शुगर होती है, लैक्टो शुगर, उसके एक बैक्टीरिया होता है दही के अंदर, जो बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमारी मिल्क की लैक्टो शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण दही जो होता है खट्टा हो जाता है। ठीक है, दही, लेकिन इस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, जिसके कारण वो जल्दी फास्ट ग्रो करता है और ये पूरे दूध को इसमें कन्वर्ट करता है, दही में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स इट इज़ द बेनिफिशियल बैक्टीरिया। हम सिर्फ बेनिफिशियल बात कर रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके बेकरी इंडस्ट्री में काम आता है, बेकरी इंडस्ट्री में ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाते हैं। यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है दैट इज द ईस्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, ईस्ट काम करता है। तो जब ईस्ट काम करता है तो कैसे करता है ईस्ट का? कल मैंने आपको रोल बताया था कि जैसे कि हम ईस्ट मिला देते हैं आपके पाउडर डाल देते हैं, जैसे हमें सपोज दैट कि मैदा ले लेते हैं, मैदा ले लें, मैदा के अंदर हम थोड़ा सा शुगरी सॉल्यूशन बना लेते हैं, जैसे ल्यूक वॉर्म वाटर, गुनगुना पानी लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन हम ल्यूक वॉर्म वाटर है हमारे पास, अगर हम ये ऐसे लेते हैं ल्यूक वॉर्म वाटर अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, और उसमें एक वन स्पून ऑफ ईस्ट का पाउडर ऐड कर दें और थोड़ी सी अमाउंट में शुगर डाल देते हैं, तो जो ईस्ट होता है आप जानते हैं, ईस्ट का जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन से वो रेस्पिरेशन करता है एंड प्रोड्यूस द स्मेल ऑफ द इथेनॉल, एल्कोहल की स्मेल आती है उसमें, और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब आप उसमें, जब आपने इसमें ईस्ट मिलाया था आटे के अंदर, मैदा के अंदर, तो आप देखेंगे स्मेल आएगी, फर्मेंट हो जाएगा और उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखो, यानी वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब, अब अगर उसको आप देखेंगे हल्का सा हाथ से खाके, तो आप उसको, आपको उसमें छेद छेद दिखाई देंगे आटे के अंदर, जो थोड़े से होल्स बन गए होंगे, एयर स्पेस आ जाएगा आटे के अंदर, जो ना एयर स्पेस आ जाएगा, यानी आटा आपका फ्लफी हो जाएगा। इसके कारण आप जो भी इससे चीज़ बनाएंगे, चाहे वो आप कुछ भी बनाएं, चाहे पेस्ट्री बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं,
आपको जो जो मटेरियल बनेगा खाने का वो आपका बहुत ज्यादा सॉफ्ट गैस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी गैस बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके खाने को, आपके मटेरियल को क्या बना देती है, फ्लफी बना देती है। ठीक है, ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नाउ नेक्स्ट इन दिस वीडियो आई एम स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पर एक बार देख लेते क्या लिखा है इसमें। कमर्शियल यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड बनाई जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज जो होता है वो एल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में भी किया जाता है कमर्शियल स्केल पर। एसिटिक एसिड का मतलब होता है विनेगर, और इसके लिए भी ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का यूज ही किया जाता है एल्कोहल वाइन बनाने के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ ईस्ट इज ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, फ्रेश फ्रूट जूस, इन चीजों से बनाई जाती है। इनके अंदर नेचुरल शुगर होती है बार्ले, वीट, राइस, फ्रेश फ्रूट जूस की। तो पता क्या करते हैं कि जो आप कुछ भी आपकी कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस ले लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, जैसे वीट, ग्रेन्स, ये सब की बात करते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है जिसके अंदर शुगर है, ठीक है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस ले लिया, जैसे कि ग्रेन्स ले लिया, वीट ले लिया, राइस, ये कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हो गए हैं, या फिर आपने फ्रूट जूस ले लिए, इनके अंदर शुगर होती है। तो ये अगर हम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लेते हैं, अगर हम इसमें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में शुगर होती है, ठीक है, ये क्या करता है, ईस्ट मिला लेते हैं। अगर हम इसमें ईस्ट मिला लेते हैं तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, और इसकी क्या करता है, इसकी जो ये जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट जो शुगर है, इसको कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दो चीजें बनाता है। यानी ईस्ट यानी कन्वर्जन ऑफ शुगर टू एल्कोहल, इथेनॉल का मतलब हो गया एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, यानी द कन्वर्जन ऑफ शुगर टू इथेनॉल और एल्कोहल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है ये, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस में, ये प्रोसेस होता है आपका फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यानी अगर हम शुगर मटेरियल ले लें, शुगरी मटेरियल लें, चाहे आप नॉर्मल चीनी का पानी, चीनी शुगर ले लें, क्योंकि शुगर गन्ने के सिरप से बनाई जाती है, गन्ने के जूस से बनाई जाती है शुगर, है, या आप गेहूं का आटा वगैरह ले लें, इन सब में कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब उसमें शुगर होती है, ठीक है। तो शुगर का मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। तो ये ईस्ट जब हम मिलाते हैं तो ईस्ट क्या क्या काम होता है कि ईस्ट इस शुगर को कन्वर्ट कर देता है एल्कोहल में, क्या कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, यानी ईस्ट एक एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ईस्ट शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड और जो एल्कोहल होती है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर, ये तो छोटा सा प्रोसेस है, मैंने ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दिस कन्वर्जन ऑफ शुगर टू एल्कोहल, दिस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम बड़े स्केल पर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाए, तो हम क्या कहते हैं, जैसे बड़े स्केल पर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट मटेरियल रखा जाता है, और उसमें ईस्ट का पाउडर डाले, बड़े बड़े मतलब टैंक होते हैं बड़े स्केल पर बनाने के लिए, फर्मेंटेशन कराने के लिए, तो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मटेरियल रख देते हैं, या फ्रूट जूस से बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो चीज़ इसमें मटेरियल भर दिया जाता है, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट से बनाए, जैसे बीट, जैसे इसमें लिखा है बार्ले, वीट, राइस, इनसे, या क्रश फ्रूट जूस, जिसकी आप या तो फिर बना सकते हैं, क्रस्ट फ्रूट जूस ले लिया, उसमें डाले, जो शुगर होती है उनमें, ये ले लेते हैं, ठीक है। और फिर आप उसमें क्या डाल देते हैं, ईस्ट का पाउडर उसमें डाल देते हैं, ईस्ट का मटेरियल, जो ईस्ट है वो इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, कुछ टाइम उसको रखा छोड़ देते हैं ताकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे। तो जब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो जो उसके अंदर शुगर थी, जो आपके मटेरियल के अंदर जो शुगर होती है, उस शुगर को किसमें चेंज कर देता है, एल्कोहल में, यानी इसमें जो क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, और कौन सी गैस उसमें बबल्स से बन जाते हैं, बबल्स बनते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और जो मटेरियल होता है वो चेंज हो जाता है इनटू एल्कोहल में। अगर हम देखें तो इसमें एल्कोहल की स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो दिस कन्वर्जन ऑफ शुगर टू एल्कोहल, ये कन्वर्जन जो है एल्कोहल, शुगर का एल्कोहल में कन्वर्जन, दैट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है आपका, फर्मेंटेशन। और उस प्रोसेस में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो सपोजेड एक्टिविटी दिखाई गई है, इसमें आप देखेंगे एक्टिविटी की बात कर रहा है कि टेक अ 500 ml ऑफ बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, डिजोल्व 2 or 3 teaspoons ऑफ शुगर इन इट। यानी इसने क्या किया, एक बीकर पानी लिया और उसमें कुछ स्पून शुगर भी डाली, मैंने वही कहा शुगर लेते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट होती है शुगर, तो उसमें क्या, वो क्या करता है, ईस्ट ग्रो करता है अंदर शुगर एंड देन कन्वर्ट द शुगर इनटू एल्कोहल। द स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर, सो
सॉल्यूशन जो आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया उसमें वो ईस्ट का पाउडर ऐड कर दे। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, थोड़ा वार्म प्लेस पर रख देते हैं 4 to 5 hours, कुछ घंटों के लिए। नाउ स्मेल ऑफ द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल? तो फिर आपको कुछ देर बाद उसकी स्मेल को देखना है, ठीक है। और आप जब उसको ऑब्जर्व करते हो उस सॉल्यूशन को, तो आपको स्मेल आने लगेगी जस्ट लाइक द एल्कोहल, एल्कोहल की स्मेल आएगी और आप उसमें कुछ बबल्स से दिखेंगे। इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, वहां पर ईस्ट ने उस शुगर सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एल्कोहल में। इसलिए आपको एल्कोहल की स्मेल आ रही है और उसमें जो बबल्स दिखाई देंगे, दीज बबल्स आर ऑफ द गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं, दिस इज अ स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इन टू एल्कोहल बाय ईस्ट। यानी हमें एल्कोहल की स्मेल क्यों आ रही है, बिकॉज द शुगर हैज बीन कन्वर्टेड, जो शुगर है आपकी वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, एल्कोहल में, ठीक है। किसके द्वारा, बाय ईस्ट, ईस्ट की प्रोसेस से। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू एल्कोहल, ये प्रोसेस शुगर का एल्कोहल में कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। क्या कहलाता है आपका, ये फर्मेंटेशन, ठीक है। यानी शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। एंड दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय द लुईस पाश्चर। किसने डिस्कवर किया, लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन इन 1857। ये याद रखेंगे आप। इसमें जब देखिए, ईस्ट शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड ईस्ट, ईस्ट इज द यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। अब एल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाया जाता है। एल्कोहल का दूसरा नाम होता है आपका, जो एल्कोहल है इसका दूसरा नाम है इथेनॉल, इथेनॉल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH, एल्कोहल इथेनॉल यानी C2H5OH, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला है एल्कोहल का। अब एल्कोहल से विनेगर बनाया जाता है, एसिटिक एसिड बनाया जाता है। यहाँ पर एल्कोहल को एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में, एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करता है बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एसिटोबैक्टर एसिटी। एक ये जो आपका यहाँ पे सबसे पहले शुगर को कॉम्प्ले, आपने कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस लेना, उसमें आपने क्या ऐड करना है, ईस्ट। ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है और उसकी शुगर को किसमें चेंज कर देता है, एल्कोहल में। दिस कन्वर्जन ऑफ शुगर टू एल्कोहल दैट इज कॉल्ड द आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। एंड द कॉन्सेप्ट इज डिस्कवर्ड बाय द लुईस पाश्चर। नाउ द एसिटोबैक्टर एसिटी, एल्कोहल तक तो बन गया, एल्कोहल से बाइंड बना ली, लेकिन अब एसिटिक एसिड कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कि एसिटिक एसिड बनाने का तरीका क्या है, कि इसके लिए बैक्टीरिया हेल्प करता है एसिटोबैक्टर एसिटी विच कन्वर्ट, दिस इज द बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटी विच कन्वर्ट द इथेनॉल यानी जो एल्कोहल बनाई है, विच कन्वर्ट द एल्कोहल टू एसिटिक एसिड। और इस प्रकार से कमर्शियल स्केल पर ये दो चीजें, ईस्ट और एसिटोबैक्टर एसिटी, जो है हेल्प करते हैं एंड हेल्प टू मेक द कम सब्सटेंस लाइक एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट द कंसेप्ट इज दैट द मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि मेडिसिनल यूज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज दो तरीके से होता है, देखेंगे दो तरीके से मेडिसिनल यूज है, यहाँ पे मेडिसिनल यूज है, हम यहाँ देख रहे हैं मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज दो तरीके से होता है, एक तो एंटीबायोटिक्स बनाने में, ठीक है, और एक होती है वैक्सीन्स बनाने में, वैक्सीन बनाने में, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन बनाने में। तो पहले हम डिस्कस करें एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का मतलब, एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो कि किसी बैक्टीरिया और फंगी से रिलेटेड कोई डिजीज है, आपकी बैक्टीरिया और फंगी से रिलेटेड कोई डिजीज है, उसको क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। व्हेनेवर यू फॉल द फॉल इल एंड व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक्स टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ द पेनिसिलिन। जब हम जैसे बीमार होते हैं बहुत, तो डॉक्टर में कुछ टैबलेट्स देता है, वो कहता है कि इनकी इतनी डोज खानी है आपको, दिन में 2 बार खानी है, 5 दिन तक खानी है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको जरूर बताता है। कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनको वो कहता है कि 3 दिन खानी है या 5 दिन खानी है या और डेज में चलती हैं या वो 7 दिन तक खानी है, 1 चम्मच खानी है, 1 स्पून लेनी है आपको, या 1 टैबलेट खानी है, एक सफिशियंट अमाउंट के साथ वो आपको बताता है कि इतनी ही खानी है और इतने दिन तक खानी है। तो इट मीन्स डॉक्टर इज प्रोवाइडिंग टू यू द सम मेडिसिन, दीज आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। हाउ द एंटीबायोटिक्स हेल्प, एंटीबायोटिक्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जो बैक्टीरिया और फंगी से होने वाली डिजीज को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन विच किल और
stop the growth of disease causing microbes such as bacteria and fungi. यानी एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया और फंगी से होने वाली जो डिजीज होती हैं, होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उनको किल करने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं. एंड दीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. यानी वी कैन से कि एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी. वो मेडिसिन जो बैक्टीरिया और फंगी से रिलेटेड इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करती हैं, उनसे रिलेटेड उन डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर लाइक बैक्टीरिया और फंगी उनको किल कर देती हैं ताकि वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में क्या हो जाए, ठीक हो जाए. सो दीज आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स. क्या कहलाती हैं? एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं. एंटीबायोटिक्स द सोर्स ऑफ, देखेंगे इधर बुक में, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म. यानी जो ये मेडिसिन इनका सोर्स क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म. इट मीन्स दे आर प्रिपेयर्ड. देखेंगे इधर, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रोऑर्गेनिज्म. इन मेडिसिन का सोर्स क्या है? माइक्रोऑर्गेनिज्म. इट मीन्स दीज मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड, दीज एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई इटसेल्फ. फंजाई इज मेड, यानी हम कह सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इन बैक्टीरिया और फंगी से ही बनाई जाती हैं. मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी. इन बैक्टीरिया और फंगी से ही प्रिपेयर की जाती हैं और इनसे रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं उनके जो इन बैक्टीरिया फंगी से होने वाली डिजीज हैं उनके इन्फेक्शन को क्या करती थी? किल कर देती है. अब बात है कि उसके इन्फेक्शन को किल कैसे करती हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया फंगी से रिलेटेड डिजीज होती है, जब हमारी बॉडी में कोई फंगी या बैक्टीरिया अगर एंटर करता है तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज या फंगी से रिलेटेड डिजीज हमारी बॉडी में दिखाई देती है. ठीक है, तो अगर कोई भी बैक्टीरिया या फंगी से रिलेटेड डिजीज अगर हमारी बॉडी में होती है तो अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो डिस्ट्रॉय कैसे करती है? देखिए, जब ये बैक्टीरिया और फंगी हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी के जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने चारों एक दीवार बनाते हैं. इस दीवार को कहते हैं सेल वॉल. दीवार जो होती है क्या कहलाती है? सेल वॉल. यानी जब कोई बैक्टीरिया फंगी हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने चारों ओर क्या बना लेता है? सेल वॉल बनाता है. समझ रहे बात? जब ये अपने चारों ओर एक सेल वॉल बनाता है तो उसके अंदर ये सेफ रहता है और अपने आप को डिवाइड करता रहता है. नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है अपनी. अपने चारों ओर एक सेल बना ली फिर वो डिवाइड हो जाएगा. एक सेल जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया उसने अपनी चार दीवार बना ली अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए. फिर उसके डिवाइड होगा, एक सेल से दो बनेंगी, दो से चार बनेंगी, ऐसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा. माना एक से दो बन गई, ये दूसरा बैक्टीरिया आ गया, इसने भी अपनी चारों दीवार बना ली, फिर इसने भी अपने चारों दीवार बना ली, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा और बीमारी उतनी ज़्यादा इफेक्टिव हमारे में बढ़ती जाएगी. तो अगर हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? उस सेल वॉल बनाने का जो प्रोसेस चलता है बैक्टीरिया के द्वारा, जो सेल वॉल बनाने का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है. यानी एंटीबायोटिक्स क्या करती है? एंटीबायोटिक्स स्टॉप द प्रोसेस ऑफ सेल वॉल. यानी एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है? स्टॉप द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल वॉल. यानी एंटीबायोटिक्स क्या रोल करती है? सेल वॉल बनाने का प्रोसेस ही खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है. समझ रहे हो? एंटीबायोटिक्स स्टॉप द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल वॉल. सेल वॉल बनाने का प्रोसेस ही रुक जाता है जिसके कारण जो बैक्टीरिया गया है, जब ये सेल वॉल बनेगी नहीं तो ये जो बैक्टीरिया जो हमारे अंदर गया है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाता और धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है. जब वो डिस्ट्रॉय होता चलता है तो इस टाइप से जो आपकी डिजीज होती है वो ठीक हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटीबायोटिक. दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, व्हाट आर द मेडिसिनल यूज. मेडिसिनल यूज दो टाइप से हम देखेंगे यहाँ पे, एंटीबायोटिक्स और दूसरा कौन सा है? वैक्सीन. ठीक है, एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसी मेडिसिन विच द मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरियल फंगी. वो मेडिसिन जो हम अपनी बॉडी में डिजीज ऐसे इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए लेते हैं जो बैक्टीरिया फंगी से रिलेटेड होते हैं. इट मीन्स दोज मेडिसिन विच स्टॉप द इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी. जो बैक्टीरिया और फंगी से रिलेटेड इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करती हैं वो मेडिसिन हमारी कहलाती हैं एंटीबायोटिक्स. क्या कहलाती हैं? एंटीबायोटिक्स. और दूसरी बात, दीज आर मेड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी. और ये किससे बनाई जाती हैं? बैक्टीरिया और फंगी से ही बनाई जाती हैं.
अब बात यह है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो काम कैसे करती हैं। देखिए, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि अपनी हमारी बॉडी के जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनसे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने चारों एक दीवार बनाता है। ये दीवार है, दैट इज कॉल्ड अ सेल वॉल। क्या बनाता है? सेल वॉल, ठीक है। वो प्रोटेक्ट रहता है, फिर वो डिवीजन करता है, रिप्रोड्यूस करता है, एक सेल से दो सेल बनाएगा, दो से चार बनाएगा, ऐसे नंबर ऑफ सेल वो अपनी हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। और जैसे जैसे वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा, बीमारी का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में उतना ही इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करें, जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स का सिर्फ एक ही काम होता है, इस सेल वॉल बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको स्टॉप कर देता है, सेल वॉल बनाने का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। समझ रहे बात? एंटीबायोटिक्स का काम क्या है? स्टॉप द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल वॉल। इस सेल वॉल बनाने का प्रोसेस रोक देता है, जिसके कारण ये प्रोसेस रुक जाता है, सेल वॉल बन नहीं पाती, तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता तो वो मरता जाता है, यानी आगे सेल सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो आपका जो बीमारी का जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में है, उस डिजीज का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में काम करती है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंजाई। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमारी आजकल बनी हुई हैं। इनमें से होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन के नाम देखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स विच आर कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। हमारी कुछ बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन रखी हैं, कुछ नाम दिए हैं कॉमन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, कुछ कॉमन नाम है। विच आर कॉमनली एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो फंगी और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर क्योर्ड टू द वैरायटी ऑफ डिजीज, और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन एनिमल्स। के अलावा क्या करते हैं, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो मिक्स करते हैं, जब हम लाइव स्टॉक को खाना देते हैं, कैटल्स को खाना देते हैं, पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, हैन वगैरह, इनको दाना दिया जाता है, जो खाना उनको दिया जाता है उनमें एंटीबायोटिक्स मिला दी जाती हैं, ताकि उनसे रिलेटेड उनमें एंटीबायोटिक्स मिला देते हैं ताकि उनको कोई भी बीमारी उनको ना हो, ठीक है, कोई भी उनको माइक्रोवेल इन्फेक्शन ना हो। सो दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो होती हैं प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है। यानी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं सभी एनिमल्स और हम प्लांट डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं, प्लांट में भी अप्लाई की जाती हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द मैनी प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स में इंजेक्शन लगा दें ताकि उनको डिजीज ना हो, तो प्लांट्स में कोई डिजीज ना आए, कोई भी इनसे रिलेटेड, फंगी और बैक्टीरिया से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहले इस बॉक्स में देखेंगे, इन 1929 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड दैट अ स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इन फैक्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैनी It also killed many डिजीज bacteria from this. The mold penicillin was prepared. कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो आपकी मेडिसिन बनी दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन। कौन सी बनी? पेनिसिलिन। आपकी जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनी है उस एंटीबायोटिक का नाम क्या है? पेनिसिलिन। एंड दिस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन That was made from the Alexander Fleming. किसने बनाई? Alexander Fleming ने। And the फंजाई, किस फंजाई से बनाई है? उसका नाम है पेनिसिलियम। किससे बनाई है? पेनिसिलियम। यानी सबसे पहले जो ये बहुत सारी बन चुकी हैं, सबसे पहले बनने वाली जो एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या है? सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन। नाम देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, फर्स्ट एंटीबायोटिक इज द पेनिसिलिन। कौन सी है? पेनिसिलिन। दैट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने बनाई? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किस से बनाई? फंजाई से बनाई, जिसका नाम है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंजाई से एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक तैयार की, फर्स्ट एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स लेते समय हमेशा ये याद रखना है, हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी है। ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। डॉक्टर जितने दिन का कहे कम्प्लीट कोर्स करना है, 5 दिन, 7 दिन, जैसा वो कहे। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स वेन यू नॉट नीडेड
और इन रॉन्ग डोज, कभी भी रॉन्ग डोज नहीं खानी है कि आपने गलती से एक ही जगह दो खा ली, ऐसा नहीं खाना है, अननेसेसरी नहीं खानी है। इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीडेड इन द फ्यूचर। इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीडेड इन फ्यूचर। अगर आप कोई दोबारा दवाई लेते हैं तो कोई भी, अगर उससे रिलेटेड मेडिसिन लेते हैं कोई भी बीमारी से रिलेटेड, तो आपकी उसका इफेक्ट वो क्या कर देती है, कम कर देती है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज बाय वायरस। लेकिन एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज में नहीं दी जाती। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव, इसको देखेंगे, एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज बाय वायरसेस। वायरस के केस में, वायरस से होने वाली डिजीज में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वायरस से होने वाली डिजीज में हम एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं देते, बिकॉज क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि जो वायरस होते हैं, वायरल डिजीज में हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते। वायरल डिजीज होती है हमारी, उनमें हम एंटीबायोटिक्स नहीं देते, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वायरस सेल वॉल नहीं बनाते, वायरस सेल वॉल नहीं बनाते, इनके पास अपना मशीनरी सिस्टम नहीं है। शुरू में मैंने बताया था कि इनके पास अपना मशीनरी सिस्टम नहीं है। व्हेन दे एंटर इन द होस्ट, व्हेन दे एंटर इन द बॉडी, दे यूज अवर मशीनरी सिस्टम। ये हमारी बॉडी का ही मशीनरी सिस्टम वो यूज करते हैं, और अपने चारों, इसीलिए वो अपने चारों क्या नहीं बनाते, सेल वॉल नहीं बनाते, यानी वायरस डू नॉट मेक सेल वॉल। और जब वायरस सेल वॉल बनाते नहीं है तो एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, एंटीबायोटिक्स यहाँ पर कोई काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ वायरल डिजीज। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव इन वायरल डिजीज। हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ वायरल डिजीज, यानी एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीज में, कोई भी वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स केवल उनका काम क्या है, सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन वायरस तो आप जानते हैं, वायरस हमारे मशीनरी सिस्टम को यूज करते हैं, इसलिए वो अपने चारों क्या नहीं बनाते, सेल वॉल नहीं बनाते हैं, एंड दैट्स वाई द एंटीबायोटिक्स आर इनइफेक्टिव, एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव इन द केस ऑफ द वायरल डिजीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।